नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु चौधरी। महाराष्ट्र से कार्तिक सावरकर जी का एक मैसेज आया था मेरे पास। उन्होंने कहा था कि भाई जो वंडर शेयर फिल्मोरा है उसमें जो है आप जो ये ड्रोन वीडियो होती है तो उसमें आप हाईवे की जो लाइनें हैं उसको किस तरीके से लगाते हो, तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों कि वंडर शेयर फिल्मोरा में यदि हमको मान लीजिए कोई लाइनें वगैरह यदि लगानी है अपनी वीडियोज़ में तो किस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से मान लीजिए कोई ड्रोन वीडियो हम बनाते हैं हाईवे की, आपने मेरे चैनल पर देखी होगी, या कोई और वीडियो जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं तो उसमें हमको यदि कोई लाइनें वगैरह डालनी है, डॉटेड डॉटेड लाइनें जो होती हैं हाईवे की जैसी सड़क के जैसी, वो यदि हमको डालनी है और चैनेज नंबर मान लीजिए या कोई नंबर वगैरह हमको उसमें डालना है तो हम किस तरीके से उसमें डालेंगे। तो आज की वीडियो में मैं दोस्तों यही एक छोटा सा ट्यूटोरियल लाया हूँ वंडर शेयर फिल्मोरा का कि हम किस तरीके से अपनी वीडियोज़ में जो है लाइनें वगैरह डाल सकते हैं या कोई नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जो ये लाइनें देख रहे हैं, सबसे पहले हम इन लाइनों को बनाने के लिए किस तरीके से लाइनें आएंगी, हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट पर। तो हम पावर पॉइंट की एक सीट खोल लेंगे। मैंने अपना पावर पॉइंट ऑन कर लिया है और इसमें दोस्तों हम अब जो है सेलेक्ट करेंगे एक ब्लैंक साइट, है ना, एक ब्लैंक सीट इसमें ले लेंगे हम और इस वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ब्लैंक सीट पर आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी सबसे पहले बदलनी है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हम ले लेंगे इसमें एकदम जो है ग्रीन कलर की, क्योंकि ग्रीन कलर को दोस्तों हटाने में आसानी हो जाएगी। तो मैं ग्रीन कलर की इसमें बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हमने ग्रीन कलर जो ले लिया है, इसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको दोस्तों इसमें इंसर्ट करनी है सेप, क्योंकि मुझको हाईवे की लाइनें बनानी है। तो मैं एक सेप ले लेता हूँ आयत वाली और इस सेप को मैं यहाँ से यहाँ तक नीचे तक खींच देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मुझको इस सेप का जो है कलर चेंज करना है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, सेप फिल पर। सेप फिल पर जाने के बाद मैं इसको कर दूंगा एकदम वाइट। ठीक है, वाइट कलर की मुझको चाहिए। फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा इसकी, फिर मैं आऊँगा दोस्तों सेप आउटलाइन और उसको भी मैं वाइट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी एक लाइन तैयार हो गई है मिडिल वाली। अब मुझको साइड की जो है डॉटेड लाइनें चाहिए, तो उसके लिए फिर से मुझको वही प्रोसेस करना है, लेकिन इस बार मैं इसको ज़्यादा नीचे तक नहीं खींचूंगा, केवल थोड़ा सा खींचने के बाद फिर वहीं जाऊंगा अपना फॉर्मेट पर, सेप फिल कर दूंगा वाइट और आउटलाइन भी मैं इसके कर दूंगा वाइट। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट इन बटन को दबाने के बाद आपको क्लिक करके इसको नीचे ड्रॉप कर देना है, तो ये आपका एक सीध में बिल्कुल एक सार होकर आ जाएगी। जो नहीं होगी, देखिए मैं थोड़ा सा इसमें गैप कम था तो उसको मैं सही कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ, और इसी तरीके से मैं इसमें नीचे तक ये खींच खींच के अपना डॉटेड लाइनें देखिए दोस्तों बन जाएंगी। ठीक, अब एक साइड मेरी कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं क्या काम करूँगा, कंट्रोल बटन दबाने के बाद सबको सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल बटन दबाया, अब मैं कंट्रोल के साथ इन सभी को क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगा और फिर कंट्रोल प्लस अलर्ट दबाने के बाद इसको खींच के इधर ले आऊँगा। तो अब देख सकते हैं दोस्तों मेरी ये हाईवे की लाइन एकदम रेडी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब जाऊँगा मैं सेव एज पर। सेव एज पर जाने के बाद मैं इसका नाम दे दूँगा, जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ रोड, और इसको मैं सेव करूँगा किस फॉर्मेट में, PNG। आप इसको JPEG में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है वो PNG की होती है। ठीक है, तो मैं इसको PNG में सेव करूँगा। आप चाहे तो यदि मान लीजिए आप अपनी वीडियो के हिसाब से आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप एवरी स्लाइड भी कर सकते हैं, या यदि आपके पास एक ही है, एक ही को आप सेव करना चाहते हैं, तो करंट स्लाइड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने, क्योंकि एक ही स्लाइड है, तो मैं करंट स्लाइड पर इसको सेव कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ सेव करके। अब मेरी ये फाइल देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर आ चुकी है। अब मैं इसको लेके जाऊँगा अपने वंडर शेयर फिल्मोरा में। ठीक है, अब ये मेरी जो है सीट तैयार होकर आ चुकी है। अब मैं अपनी ड्रोन वीडियो जिसमें मुझको ये लगानी है, या आप जो मर्जी किसी वीडियो में आप लगाना चाहें वो वीडियो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब मैंने वीडियो यहाँ पर टाइमलाइन में ली और अब मैं अपनी इसमें डॉटेड लाइनें लगाना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो मेरी वीडियो है पहले से ही इसमें लगी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से लगाते हैं, मैं आपको इसमें दोबारा से और लाइनें लगा के दिखा देता हूँ। अब मुझको क्लिक करना है इस पर ग्रीन स्क्रीन पर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन का एक इसमें ऑप्शन होता है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन हमको बिल्कुल सही करके इसको हटाना है, तो आप ये जो ड्रॉप बॉक्स है इसको लेंगे और वहाँ पर इस कलर को फिल कर देंगे। तो जैसे ही आप इस कलर को चूज़ करेंगे ये ऑटोमेटिक उसको हटा देगा और हमारी ग्रीन लाइनें जो है दोस्तों ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी हमारी वीडियो के साथ। ठीक है, इतना काम कर दिया, अपने हिसाब से आपको इसको एडजस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों हमारे जो वीडियो में जो लाइनें आ रही हैं आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी लाइनें इसमें आ रही हैं। अब जहाँ तक आपको ये लेनी है वहाँ तक आप अपने इस PNG फाइल को खींच सकते हैं टाइमलाइन पर,
वहाँ तक आपकी ये लाइनें आ जाएंगी। ठीक हो गया दोस्तों, तो यहाँ तक हमारी बात इसमें एकदम क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो वीडियो में हम चैलेंज वगैरह डालते हैं, जो पॉपअप खुल के आता है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में ये पॉपअप खुल के आता है ना, ये खुला और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, चैलेंज नंबर वगैरह ये सब है ना, ये कैसे आता है। इसके लिए दोस्तों हमको जाना है ऊपर टाइटल्स पर। टाइटल्स पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमेशन बॉक्स हैं, आपको जो बॉक्स पसंद आए आप वो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला बॉक्स है, लेकिन जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ वो इस तरीके का बॉक्स होता है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आप या तो वहाँ से खींच के इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है, खींच के ले आ सकते हैं, या जो प्लस का आइकन इस पर बना हुआ है आप उस प्लस के आइकन पर क्लिक करके भी यहाँ पर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है दोस्तों ये एनिमेशन यहाँ पर ले लिया है। अब मुझको इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका एक जो है दोस्तों एक अलग से विंडो खुलेगी, उसमें ये जो तीनों लाइनें हैं इसका जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे साइड में दोस्तों यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया है चैलेंज 100+101। ठीक है, अब इसके नीचे का टेक्स्ट भी मुझको चेंज कर देना है, तो इसको ही मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मुझको यहाँ लिखना है ब्रिज, तो मैं इसको ब्रिज कर देता हूँ। और इसी तरीके से मान लीजिए जो नीचे का टेक्स्ट, हम कुछ भी जो आपकी मर्जी करें आप वो लिख सकते हैं अपनी वीडियो के हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं आप ड्रोन वीडियो ही बना रहे हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको दोस्तों बताने के लिए बनाई है कि हाँ इस तरीके से आप इसमें ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं भी इसमें नीचे जगह का नाम डाल देता हूँ कि भाई ये इस जगह का नाम है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये सारी सेटिंग करने के बाद आप इसका जो कलर है दोस्तों वो भी चेंज कर सकते हैं, इसका आप फॉन्ट भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी वीडियो के हिसाब से, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसका फॉन्ट छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी होता है कि माउस से थोड़ा दिक्कत होती है इसको एडजस्ट करने में, तो आप कीबोर्ड के जो ये बटन है इनसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी मर्जी का इसमें कलर भी चूज कर सकते हैं। कलर यहाँ पर अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप मोर पर जाकर भी, यानी और भी इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कलर चूज़ करने के बाद दोस्तों आप जो साइड में इधर और भी इसमें जो है वो दे रखे हैं किस तरीके से, मान लीजिए आप कुछ और अच्छा इसमें लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसमें रेडीमेड कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ साइड में जो एनिमेशन बॉक्स है इसमें जाके भी आप जो है दोस्तों कोई भी इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ये एनिमेशन इसमें है, लेकिन फिलहाल मैं कोई एनिमेशन इसमें नहीं लगाऊंगा, सिंपल एक तो केवल नो एनिमेशन पर कर देता हूं और कर देता हूं ओके। ओके करने के बाद दोस्तों हमारा ये पॉपअप एकदम तैयार है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूं। तो आप देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने ये प्ले किया तो हमारा ये सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक आ गया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ इस सड़क पर इस जगह पर ये चीज़ है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी वीडियो में कुछ भी जो है, आप कोई मान लीजिए लाइनें डालना चाहते हैं या कोई शेप डालना चाहते हैं, तो पावर पॉइंट पर तैयार करके आप इसमें अपनी वीडियो में डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप ये पॉपअप बॉक्स वगैरह भी टाइटल्स पर जाकर बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।